इसमें जी जी बताइए, इसमें है कोई? सर, इसमें है अल इम्तिहान, जो काफी द इम्तहाना यम तहिनु इम्तिहानुन, और ये है इल्तहाका यल्तहिकु इल्तिहाकुन, टू ज्वाइन क्या माना है इसका, इल्तिहाका का? टू ज्वाइन, ज्वाइन और आमतौर करना, पे ज्वाइन जाके करते मिलना। हैं कोई क्लास, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कोर्स, जी उसमें इल्तिहाक आमतौर पे जी इस्तेमाल होता है। इसमें ये खुद से ज्वाइन दाखिला, करना, इल्हाक भी यही होता है ना। हाँ जी, ये दाखिला के साथ जो फी आया है, कभी फी आता है कभी नहीं आता, जी कि सर, ये राष्ट्र आपने में बताया था कि अगर हम किसी फिजिकल चीज में एंटर करेंगे, यानी कोई जगह होगी, जर्फ होगा, तो उसमें फी नहीं आता। जैसे अदखुलुल मस्जिद, तो मैं दाखिल हुई मस्जिद में, या इस तरह से। और अगर करेक्ट। इस तरह की चीज होगी जो कि फिजिकली जगह नहीं है कोई, तो उसमें हम फी लिखते हैं, यानी अदखुलिल फिल इम्तिहान फिल रमजान, या इस तरह से करके, जो भी चीज जो फिजिकली नहीं है, करेक्ट, जगह नहीं है, फिजिकल सबको प्लेस नहीं बात है। समझ में आ गई है? अल मुदर्रिस बात का नाम, मनिल तहा का कबल अल इम्तिहानी बिशहरैनी फलहू हक्कु दुखूली फिल इम्तिहान। नाम, जो कोई भी, जिस किसी ने भी इल्हाक किया 2 महीने, यानी इम्तिहान से 2 महीने पहले, तो उसको हक हासिल है कि वो इम्तिहान में बैठे। तो यहाँ पे इल्तहका यल्तहिकु इल्तिहाक। नेक्स्ट, जी सर, या उस्ताजु, सअगीबु गदन व बादा गदन, फइन्नी मुसाफिरुन इला जिद्दा, फअर्जु समाह। ए उस्ताद, मैं कल और कल के बाद गैर हाजिर होऊंगा, क्योंकि मैं सफर करने वाला हूँ जद्दा की तरफ, और मैं चाहता हूँ इजाजत। और मैं इसमें तो कोई नजर नहीं आ रहा, चाहता और जो समा, मैं परमिशन चाहता हूँ। ठीक है, हूँ। इसमें तो अलाबुद, कोई इसमें कोई नहीं है, सही है, नहीं है नहीं। इसमें। अलाबुद्दा मिन हाजा सफर, क्या ये सफर नागुजीर है? तो ना जी सर, जी इसमें भी नहीं है अल्लाह वाले में ना, आप जो कर रहे नाम, हैं। नाम, वल्लाही इन्नी लामुत तरुन इला जालिका। जी अल्लाह की कसम है सर, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, बेशक मैं अलबत्ता मजबूर हूँ इस ऐसा करने पे, इला जालिक। ये इला है, आला और इला में, जब अला के साथ आए तो फिर ये इसकी होगा तरफ कि मजबूर किया जा रहा है, और जी अब ये मजबूर हो रहा है किसी वजह से। इला जालिका, मजबूरी जी की वजह जो है वो उसने बताई, कोई नहीं वैसे। जी और कसम, सब पर्सन अल्लाह की रीजन हो कसम सकता खा रहा, तो है। इसका तर्रा, क्या, इस तर्रा, इस तर्रा, इस तर्रा, यस तिर्रु, यस तर्रु, क्योंकि यस रा तर्रु, हाँ, जेर नजर नहीं आएगा ना, इस यस तरी तर्रु रू असल में है, इस यस तर्रु होता है तारीरू, जी, तो यस खोलेंगे तो इस तर्रु, तर्रु होते हैं। हाँ तो यस तर्रु हो। और इसका जो जब मस्तर यस आएगा तर्रु तो जी, मस्तर इस कैसे, तीरा तो खुल जाएगा, इस परफेक्ट तीरा जी। परफेक्ट। ला बासा इजा मररता बी मकतबतिन हुनाका फश्तरी फश्तरी ली किताबन इस्मुहु अल मुस्लिमूना अला मुफ्तरक मुफ्तरक अब तुर्क। आपने नोट किया बुक वन सही ना, जब भी कोई छुट्टी जा रहा होता है टीचर कहता है मेरी किताब ले आना, जहां भी जा रहे हो, किस जिस मुल्क में भी जा रहे हो। ला जी सर, जी बासा इदा मररता बे मकतब, अगर तू किसी मकतबे यानी बुक स्टोर के पास से गुजरा गुजरे, अगर तू जब वहां जब जहाँ जहाँ भी जा रहे हो तो जद्दा में, तो फश्तरी तो खरीद लेना मेरे लिए किताब। कैसी किताब? इस्मुहु जिसका उसका नाम है अल मुस्लिमूना अला मुफ्तरक तुर्क, के मुस्लिम्स एट द क्रॉस रोड्स, हमने बात की थी इसका माना। अच्छा, इसमें मुफ्तरक इफ तरह का यफ तरह को, तो इफ तरह का माना क्या था? तू
दो राय पे, दो राय पे खड़े आते। तो इसमें जो है खास बात यह हमने पढ़ी थी कि किताबन की नात है आगे इस्मुहु अल मुस्लिमून, यानी किताब को अगर ये इनडेफिनेट नाउन आए किताबन इनडेफिनेट, तो उसके बाद अगर जुमला इस्मी कोई भी जुमला हो, जुमला इस्मिया हो या जुमला फेलिया, तो वो उसकी नात कहलाता है। राइट सिस्टर सीमा रिजवान? अच्छा, तो मेरा ख्याल है हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। हम क्वेश्चन आंसर्स पे जा सकते हैं आप, या यू वांट टू रीड इट अगेन? चले क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, टाइम मिल गया तो वापस आ जाएंगे। हमने कहा एक्सक्यूज मी सर, ये जो सर दूसरे नंबर पे जो हामिद का है ना, इन्ना फसलाना, सर ये जुमला पूरा जो है ये मुझे सही से समझ नहीं आया। अच्छा, इस तरह है कि हामिद ने क्लास में आती कहा कि उस्ताद मेरे पास एक सजेशन है, एक तजवीज है, तो मदरसे का जरा ठहरो मैं सर्कुलर पढ़ लेता हूँ। फिर उसने कहा क्या है तुम्हारी सजेशन? हामिद कहता है इन्ना फसलाना हाजा, ये जो हमारी क्लास है ना, असबहा मुजदाहिमन जिद्दन, बहुत कंजेस्टेड और क्राउडेड हो गई है, यानी बहुत क्लास छोटी है, हम बहुत ज्यादा इसमें है। मारायु का नन तकेला, कि आपका क्या ख्याल है कि हम ट्रांसफर हो जाएं इलल फसल लजी, उस क्लास में जो के फिर ताबक सानी जो कि दूसरे फ्लोर पर है। इनका हो खालिन, बस वो इस वक्त खाली है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक हो गया, क्लियर? थैंक यू जी सर। अच्छा, तो हमने कहा तक पढ़ा था? चार पांच छह सात तक हमने कर लिया था, मुझे जहां तक याद पड़ता है। क्वेश्चन आंसर में वो भी कर लें जी, फिर टू से करना शुरू किया था हमने, बल्कि थ्री से करना शुरू किया था। तो क्वेश्चन आंसर भी कर लें। मा इक्तराहु हामिदिन, वो करना चाहेगा मा इक्तराहु हामिदिन, क्या सजेशन थी हामिद की? इक्तराहु यानी उसकी सजेशन क्या थी? अन कि क्या करें, कौन करना चाहेगा इसको? चले आप कर लें। इक्तराहु अय्यन तकीलू, कि वो सब मुंतकिल हो जाएं जी। इलल फसल लजी फिताबे किसानी, किताब किस्तानी, फाइन नो खालिन, ये भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कौन करना चाहेगा? सर मैं कर लेती हूँ। चले आप करें। नहल्लाहु ताला फिल आयतिल करीमा अल वारिदा फिल दर्स अन सलासति उमूर, ये माहिया, ये जो तीन चीजें बताई गई हैं मुस्तफा की, जी बताइए कौन सी तीन? माहिया, तीनों मस्तर बता दें, तीन चीजें तीनों के मस्तर जी। हिया जुन्नुन, जुन्नु व गीबतु व तजस्ससु, ये भी कह बेहतर यह है कि तीनों के अगर हम मस्तर कह दें तो हिया जन और तजस्सुन यस और गीबतुन व इख्ताबुन। देखें ये क्या था, यक्तब इक्तब इक्तबा क्या, इक्तबा यक्ताब इक्ताबा इक्ताबा यक्ताबु, इक्तारा यक्तारु की तरह है जी, तो इक्ताबन हो जाएगा, इक्ताबन जी जी जी। सिस्टर सीमा जी, सर थोड़ा सा पीछे से है लेकिन मैं माइक खोल नहीं सकती थी, आज मैं घर पे नहीं हूँ, तो ये मुझे ये पूछना था, आपने बताया था ये लास्ट जो हमारा सेंटेंस लेसन का कि फश्तर ली किताबन इस किताबस मुहु अल मुस्लिमूना अल मुफ्तरकिल तरीक तुरुक, तो ये आपने कहा है कि ये कैसे नाद बनेगा, मैं ये सुन नहीं पाई थी। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड कराया था, आपने कल ये रूल हमने रिवाइज किया था ना कि नकेरा इस तरह अगर हो। अच्छा, किताबन के बाद पूरा इस्मो जो है फिर याद सही है, फिर सही है, मैं समझी हूँ इस्मो के बाद आ रहे, फिर ठीक है सर। ओके सर, ओके।
अच्छा नेक्स्ट, बिमाजा शब्बह अल्लाह तआला अल गीबता, किस चीज से शबाह दी अल्लाह ने गीबा को, उसका जवाब कौन देना चाहेगा? बी, इस तरह जवाब दे सकते डायरेक्ट, बी लहमी, कौन करना चाहेगा? बी सर मैं बताती हूँ जी, बताइए। अकली लहमिल अखिल मैती, बी लहमी अखी अखिल मैती, मैतन मैतन, ठीक हो। नेक्स्ट हमने अकल अकली नहीं कहना, बे अकली नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं, अच्छा कह सकते हैं, नहीं कह सकते भी अकली, यू राइट, कह सकते हैं, कहना चाहिए बल बी अकली, बी अकली राम या खेल में, ठीक राइट, अच्छा। अब हमने कहां तक पढ़ लिया था ये, कौन नंबर सेवन तक पढ़ लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी सर, सेवन क्वेश्चन तक कर लिया था। चलिए अब एट पर आते हैं, मिन मानी बाब इफ्तअला अलमुतावअतु नहु रफातु सौत फरतफा यानी इरतफा, तअम्मल अलमिसाल सुम्मा अकमिल अन्नाकिस। अच्छा हम पहले ये मुतावा का काफी मुख्तलिफ अबवाब में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि सुलासी मुजर्रद से अगर आप जाएंगे इफ्ताला में तो माने में किस तरह फर्क आएगा और उसके जुमले में क्या फर्क आएगा। मसलन बेस्ट एग्जांपल है रफातु सौता, मैंने यानी मैंने क्या किया, मैंने ऊंची आवाज, मैंने आवाज को, मैंने अपनी आवाज को ऊंचा किया, रफातु सौत, मैंने ऊंची की आवाज यानी अपनी आवाज, इरतफा सौतु आवाज ऊंची हुई। पता आपको चल रहा है कि कहां पर लाजम में फेल और कहां पर इस्तेमाल हो रहा है मुतअद्दी, पहले वाले केस में रफातु सौत में फेल फाइल मफूल मौजूद है तीनों, रफा फेल तू फाइल असौता मफूल भी, तो मैंने ऊंचा किया किसी चीज को, किसको, आवाज को, और इर्तफा वो ऊंची हुई, क्या ऊंची हुई, असौतु, असौतु यहाँ पे फाइल है, कोई मफूल यहाँ पे नहीं है। तो ये है डिफरेंस आता है जब आप जाते हैं सुलासी मुजर्रद से इफ्तेआल के वजन पर, तो इस ट्रांजिशन को कहते हैं मुतावा। इसी अंदाज में कौन करेगा नेक्स्ट, मलातुल कुबा, डॉक्टर अक्षंदा आप कर दीजिए सर। मलातुल कुबा मतलब मैंने कब भरा, तो ये हो जाएगा इमलाअल कुबू, कब भर गया, इम्तिला, सॉरी सर, सॉरी सर, हाँ हाँ इम्तला, इम्तला अल कुबू, ठीक है, कब भर गया, यानी इसी तरह से है जी। अगला भी कर दे, जमातु तुलाबा, मैंने तालिब इल्म जमा किए, इकट्ठे किए, ये हो जाएगा इज्तमा, इज्तमा अस तुलाबु, तालिब इल्म जमा हो गए, तालिब खुद जमा हो गए, इसी से इज्तमा बनता है, दुरुस्त। अच्छा नेक्स्ट है तअम्मल अल अमसलत अल आतिया, अमसलत अल आतिया लिबाब इफ्तआला व अय्यन फीह अल माजी वल मुजारे वल अमर वल मुश्तकात अल मुख्तलिफा। अच्छा इन एग्जांपल्स में जो नीचे आ रहे हैं ना, आपने बताना है इफ्तआला के बाब से माजी मुजारे अमर मुश्तकात और मुख्तलिफा में आ जाएगी बाकी जो चीजें भी हैं सभी कुछ। फिर तंजील बारी बारी कर लेते हैं, किसकी बारी नेक्स्ट है, शफीक भाई, फिर तंजील, यौम नकूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तकूलु हल मिन मज़ीद, करना चाहेंगे जी सर, इसका तर्जमा करूं जी, तर्जमा करें इसका जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यौम नकूलु लिजहन्नम
هل امتلاتي وتقول هل من مزيد उस दिन हम बोलेंगे जहन्नम को कि हल इम्तलाती क्या अब काफी है आर यू फिल्ड हाँ आर यू फिल्ड क्या तुम भर गई हो सर जी जी वो तकूलो और वो बोलेगी हल में मजीद क्या और मजीद है यस तो इस जुमले में बताएंगे फिर यौमा क्या है मतलब यौमा जो है ज़र्फ है राइट इस तरह बताएंगे यौमा ज़र्फ है सर और आगे जो है ये फिक्र है पूरा ये मज़ाफ़ इलाही नकुलु लिजहन्नमा माशाल्लाह ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि ज़र्फ के बाद आता है मज़ाफ़ इलाही तो वो एज मुफ़रद भी आ सकता है एज जुमला भी आ सकता है तो इसको फिर कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे कि उस दिन मतलब हम बोलेंगे जहन्नम को ऐसी है ऐसे महल है कि क्या आप भर गई हैं हम देखें इसमें है ये बड़ा इसका जो पूरा इम्पैक्ट तब आएगा अगर आप कहेंगे कि हमारा जहन्नम को कहने का दिन यानी जिस दिन हमने उसको ये कहा हर इम्तला आता उसको याद करो शुरू कहने का दिन जी सर क्या कहा क्या कहेंगे हल इम्तलाती बताएं फिर हल इम्तलाती क्या है इम्तलाती ये सर माजी है माजी का कौन सा सीगा है माजी का कौन सा सीगा है ये इम्तलाती ये वो मतलब है क्या गायब है मोनस का सीगा है माजी वाहिद मोनस मुखातिब मतलब किसके साथ मुखातिब यानी हल इम्तलाती का तर्जमा तो आपने सही किया ना आप किस से मुखातिब होकर कह रहे हैं जहन्नम के साथ तो जी सर एस्टर ने कहा इम्तलाती मुखातिब जी सर मुखातिब मुखातिब माजी वाहिद मोनस कौन है वो इस जुमले में जहन्नम तो जहन्नम से मुखातिब होकर कहेंगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयत है कि जहन्नम से कहेंगे क्या तू भर गई है हल इम्तलाती तो ये इसका माजी मुजारे बता दीजिए माजी मुजारे और मस्तर इम्तलाती का इम्तलाआ यम्तलिउ आगे उसका इम्तिलाउन इफ्तियालुन इम्तिलाउन डॉक्टर अक्षंदा डॉक्टर साहिबा आपका हाथ जी नहीं वो मैं कहती कि छह चाबियां बतानी होंगी ना इसकी इम्तला यम्तली इम्तली फिर मुमतलिन मुमतलन और इम्तलाउन ठीक हो गया फिर सही कंप्लीट तब होता है जब सारी छह चाबियां हो जाती हैं ठीक है वो सिर्फ और साथ में रूट लेटर सर लेकिन इन्होंने तो हमसे जो यहाँ डिमांड की है वो की है कि अय्यिन फिहल माजी वल मुदारे वल अम्र वल मुश्तकातिल मुख्तलिफा तो हमें सिर्फ ये अय्यिन करना है मुय्यिन करना है कि यहाँ पे ये कौन सा सीगा आ रहा है अगर थोड़ा सा ज्यादा कर ले तो नहीं ये हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना कोई फर्क नहीं हाँ कोई बात नहीं अगर आप थोड़ा सा मतलब मैं तो अभी ये भी कह लगा कि हल में मजीद जो आया है ये भी आपको याद होगा हमने ये भी पढ़ा था कहीं जी मिन ज्यादा तो चलो ठीक है और इसमें अगर मैं ये कहूँ
कि ये मजीद जो है ये लफ्जन चले रहने दे, नेक्स्ट आगे चले। काला ताला सर एक क्वेश्चन था, सॉरी सर, ये सलमान भाई सर, ये आपने जब इसका तर्जुमा किया था आपने कहा था इफेक्ट ऐसे पैदा होगा कि जहन्नुम का जहन्नुम को कहने का दिन, ये आपने इस जुमले को किस तरह कंस्ट्रक्ट किया है, मुजाफ मुजाफ इलैह के साथ किया, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कैसे कंस्ट्रक्ट किया था वो? मैंने इसको ऐसे किया कि इससे पहले आप पहले तो ऐड करें उज़्कुरू, जब भी ऐसे यौमा आए ना तो उसमें कहें कि याद करो वो वक्त, यानी याद करना वो वक्त, जब जब वक्त आएगा क्या होगा, यौमा ज़र्फ़ है तो उसके बाद है मुजाफ इलैह, तो नकूलु लिजहन्नम हम कहेंगे जहन्नम को के दिन, यानी जहन्नम को कहेंगे उस दिन, कहेंगे जहन्नम को कहने के दिन क्या कहेंगे उसको, हलिम तलाती। अच्छा जैसे पहले मुजाफ के साथ फिर पहले मुजाफ इलैह का बोलेंगे फिर मुजाफ को बोलेंगे, इस तरह से आपने जैसे बोला, इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कहने की, मतलब मुराद ये है कि उस दिन यानी दिन को मुजाफ बनाए ना, तो जो जो काम हो रहा है वो उस दिन हो रहा है ना, ठीक है, हमारा कहना जहन्नम का दिन जो होगा वो वाला दिन उस दिन जो है बात होगी, जब जर खा जाती है तो फिर सारा काम उस दिन होता है जिस दिन का जिक्र, जिससे इस बात में जी सर यही मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, उसमें भी जब हम आयात पढ़े थे जो यौमा से शुरू हो रही थी, तो आपने इसी तरह से कहा था याद करो वो दिन, तो इसको हम यू भी कर सकते हैं कि जिस दिन हम कहेंगे जहन्नम से क्या तू भर गई, हाँ जिस दिन हम कहेंगे जहन्नम से, ठीक है, यानी उस दिन तो कहने का मतलब है कि कहा ही जा रहा है कि डरो, बी वेयर, सोचो उस दिन जहन्नम जो है वो से कहा जाएगा, जहन्नम की जगह और भी है, तो यानी नेक्स्ट किसकी बारी है, कौन नेक्स्ट था, चलिए सलमान भाई आप ही कर दें। काला ताला وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا قَالَ تَعَالَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور حکم دو اپنے اہل کو اپنے فیملی کو نماز کا اور استبر اور استبر उनको कहो, इस तबर का मतलब कैसे, सबर या सबरा से, सबरा से इस्तफ्तालम, इस्तबिर यानी इस्तकामत का, इस्तकामत करो, इस्तकामत, हां इस्तकामत उस पर, अलैहा यानी सब यानी नमाज पे सबर करो यानी इस्तकामत करो, जी 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 सर, तो इसमें इस्तबिर है ना, इस्तबिर तो इस्तबरा असल में ये क्या था, यहाँ पे ये तो जो है किसी वजह से आया होगा ना, हमने वो बात की थी ना कि भाई अगर ये ताज आ रहा है इस्तबरा ना, ये ता जो है कन्वर्ट हो गई है इनटू तो में, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट है सिस्टर बारी है, शफीक भाई की भी हो गई थी, अस्मा खालिद सर वो ऑन नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट वो है नहीं अभी यहाँ पे ना, सिर्फ लिस्टिंग एंड पे है वो। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट है सिस्टर सीमा रिजवान सर, ये है अस्तमिउ इला तिलावतिल कुरानिल करीमी मिनल इज़ाति कुल्ली सबाहिन मैं हर रोज तिलावत कुरान करीम सुनता हूँ रेडियो स्टेशन से, हर सुबह रेडियो स्टेशन से गौर से तिलावत कुरान सुनता हूँ, तो ये सर इसमें सुनती हूँ, ये बिल्कुल सही है सुनती हूँ, तो ये इसमें अस्तमा जो है फेल मजारे वाहिद मुतकल्लम आया है और ये फेल बनता है बाबे इख्तियार से है, इस्तमा और इस्तिमाउन, करेक्ट। नेक्स्ट
मिस्टर फरिया के तो हम स्किप कर लेंगे, अगर क्या करना चाहे मर्जी है करना चाहिए। यकूल المزيغ कहा अनाउंसर कहता है अय्युहल मुस्तमिउन الكرام او द रिस्पेक्टेड लिसनर्स इलैकुम नशरत الاخباري पेश खिदमत है यानी आपके लिए खबरें। तो इसमें मुस्तमिउना जो है ये वैसीन मीम आइन मादे से है इस्तमा यस्तमिउ इस्तमे मुस्तमिउन मुस्तमिउन इस्तमाउन तो ये इससे इस्म फाइल जमा है मुजक्कर है और बस इसमें यही है। और ये जो तरीका है इलैकुम नशरतल अखबार ये होता है जब कोई चीज नशर करनी हो या पेश करनी हो तो इस अंदाज में क्या यानी आइए करते हैं आप ये भी होता है ये खुद के मानों में भी होता है कि आपके लिए है या आप ले आपके लिए हियर इट इज हियर इट इज। नेक्स्ट लाजे सिस्टर राहिला जी सर दाऊतुल्लाह फिल मुल्तजम मुल्तजम मैं पुकारती हूँ अल्लाह को मुल्तजम में मुल्तजम है ये मुल्तजम है ये देखिए सॉरी मुल्तजम में तो ये सर ये इसमें मफूल या इसमें मकान बन रहा है ये है इल्तजमा यल्तजिमु इल्तिजाम इल्तिजाम तो क्या माना इल्तजमा का सर ये जगह है ना सर इसको जगह तो बन गई जब आपने मुल्तजम कहा जगह बन गई लेकिन आप मुल्तजम पे लोग क्या कर रहे होते हैं नोट किया कभी आपने जी सर दुआ करते हैं ना नहीं कुछ कर रहे होते हैं आप एक्शन क्या कर रहे होते हैं हाथ खड़ा करके सर नहीं सर चिमट जाना चिमटे हुए नहीं होते जी सर ठीक है इल्तजमा का माना ही चिमट जाना ठीक है तो चिमट लाम ज़ा और मीम इसका रूट लेटर है ना जी जी हाँ लाज़म हो जाएगा किसी चीज के साथ इसी तरह से सर इस्तेलाम भी होता है इस्तेलाम भी होता है जी जी सीन लाम मीम सलाम करते हैं उसको दूर से राइट नेक्स्ट है किसकी बारी है शफीक भाई की होगा सिस्टर गजाला सॉरी सिस्टर हिना सिस्टर हिना सॉरी बर सिस्टर हिना की पहले बारी है इब्तसिम इब्तसिम ला तकुन आबिसन इब्तसिम यानी मुस्कुराओ तबसुम करो मुस्कुराइए ला तकुन ना हो ना तुम हो आबिसन गमगीन या मानो में आएगा सर आबिसन क्या कहते हैं जिसके चेहरे पे नौसत टपक रही हो वो सॉरी नौसत नहीं सॉरी जो के सर मुंह बनाना होता है ना अबसा वतवल्ला अबसा सर फ्राउनिंग कहते हैं समझते हैं उसके चेहरे पे मुंह बसोरना ना तो मुंह बसोरो ना तो मुंह इब्तसिम का बता दीजिए माजी मुजारे और इब्तसमा यब्तसिमु इब्तसिम और क्या सर मुब्तसिमुन मुब्तसमुन इब्तिसामुन जज़ाकअल्लाह खैर बिल्कुल सही सिस्टर गजाला ये इब्तसिम का तो क्या मीनिंग बताया इब्तसिम अमर का स्माइल ओके एक है ना इब्तिसाम इलाही ज़हीर ये हम उर्दू में तबस्सुम बोलते हैं ना सर मुस्कुराना नहीं वो और है तबस्समा या तबस्सुम से ये इब्तिसाम मीनिंग से कहना हो स्माइल तो क्या कहेंगे इब्तिसाम नेक्स्ट नाला जी नंबर 7 इत्तसलता मैंने अपने फादर को
टेलीफोन से आगाह किया, राबता किया कह सकते हैं, राबता किया अखबार तो हूँ, और बताया उन्हें, खबर दी उनको मोदी सफरी अपने सफर के टाइमिंग्स के बारे में, मोदी टाइमिंग के बारे में। तो इसमें ये जो लफ्ज पहला वाला शुरू है ये वो इत्तसला है, असल ये वसला से है असल, और उसमें वाओ की जगह ता आया, फिर एक ता दूसरा, तो इत्तसला और इत्तसला या तसलु और इत्तसालुन, तो यहाँ इत्तसल तू है भी, अभी आतिफियन मैंने अपने फादर से राबता किया टेलीफोनिक यानी और उन्हें बताया अपने बे मौईदी सफरी अपने सफर के टाइम के बारे में, टाइमिंग के बारे में। इत्तसला का क्या माना हुआ फिर? राबता करना, आगाह करना, मिलना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन जो होते हैं इत्तसाल, कम्युनिकेशन, राबता करना, सही है, ठीक है। सिस्टर सीमा, करेक्ट। सिस्टर सीमा जी, सर यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ ये इत्तका तो सही है, हमने ये रूल शुरू में पढ़ लिया था कि अगर मादे का पहला हर्फ वाव हो तो वाव की वो वाव जो है वो ताम में तब्दील हो जाती है ना जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हमने इत्तखज़ा पढ़ा है ना इसमें से, तो वहाँ तो वाव नहीं है बल्कि हमजा है, वहाँ एक और रूल है अभी आए, उसमें भी आ रहे हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा तो नहीं है ना वो? नहीं नहीं, वो भी एक रूल है, मैंने वो इत्तखज़ा वो रूल है, डिफरेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट किसकी बारी है? ज़ारा क़लीम के बाद सिस्टर सिस्टर अस्मा का माइक म्यूट कर दें, वो उनसे हो नहीं रहा, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर, सॉरी। सिस्टर ताजो निसा मैं पढ़ता हूँ, मैं चला जा रहा है। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पढ़ दूँ पहले? मैं चला जाऊंगा नमाज के लिए। आप पहले पढ़ लें, आप पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यतक़िल्लाहा यजअलहु मखरजम व यरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डर गया बिन देखे, अल्लाह उसको वहां से निकालेगा, यानी उस मुश्किल से या ऐसी किसी जगह से जहां वो गुमान भी नहीं कर सके। आगे सूरह तलाक आयत नंबर 3 है जनाब। ये नहीं, अभी आगे एक और अभी तर्जमा कर रहे ना, वयरज़ुकुहु मैं ऐसु, और उसे ऐसा रिस्क जगह से देगा, ऐसी जगह से रिस्क देगा, ला या तसिब, जिसका वो गुमान भी नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया, चले अब बता दे इसमें कोई है इसमें बाब इफ्तियाल से? अच्छा, ये भी सर आपने पूछना था, चले ये आप कंसल्ट कर ले मिसेस को। हाँ जी, नहीं मैं तो इसमें सर कोई लफ्ज इफ्तियाल के पैटर्न पर आया होगा। हाँ, या तसिबू एहतसिबू होगा सर, ये एहतसबा या तसिबू एहतसाबू, ये है इसमें सिर्फ एक ही, एक ही है। चलिए सिस्टर अनीस आप बताना चाहेंगी बकाया? सर ये मैं सिर्फ ये यह तसीबू का कह रही थी कि ब्रदर ने कहा कि गुमान नहीं कर सकेंगे, तो इज इट ट्रांसलेटेड लाइक दैट या मतलब कि अकाउंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एहतसाब हम अकाउंट पे लेते हैं ना कि अकाउंट नहीं कर सकेंगे, या उसको हम यानी दैट वुड बी नॉट काउंटेबल अकाउंटेबल, उस तरह का इतना होगा बेहिसाब। ऐसे होता है, इसका एक्चुअली माना होता है एक्सपेक्टेशन भी होता है, बिल्कुल है। तो असल में क्या था यत तकी? वकिया, वा को हटा के जब हमने इफ्तियाल में किया तो एक वाव का की जगह ते, फिर और फिर एक और ते, ठीक हो गया, इत्तका हो गया।
तो इत्तका यहाँ पर यत्तकी जो है ये कौन सा सीगा है यत्तकी? एक्चुअली तो ये अमर है लेकिन उससे मिलाने के लिए नीचे जेर दिया हुआ है। अमर से क्या मतलब? अमर तो नहीं है, अमर नहीं है तो क्योंकि अमर तो इत्तकी होता है। हाँ सॉरी, तो ये मन के साथ जो है ना ये शर्त की वजह से इस पे जज़्म है। जी जी जज़्म है। और जज़्म तो जज़्म तो यहाँ पे कोई नहीं है ना इधर, तो वो असल में क्या हुआ यहाँ पे यत्तकी क्या था? ये तो सार उस अगले अल्लाह के साथ उसको मिलाने के लिए जेर लगा दिया ना उसके नीचे। नहीं एक्चुअली वो ना भी हो तो यहाँ पर असल क्या है इत्तका, तो मुजारे क्या है यत्तकी या के साथ, या के साथ ना, तो मन ने है, मन ने क्या किया फिर या को गिरा दिया, या को हटा दिया। राइट, तो उसके लिए जब पीछे क्या बचा काफ या जेर के साथ मन यत्तकी, ठीक हो गया ना? यत्तकिल्लाह यजल। जी सर, तो बिल्कुल सही हो गया ये। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दो आयतें जो है ना पक्की याद कर ले, जिंदगी में ये बहुत काम आएंगी। जो डरा अल्लाह से बिन देखे उससे आगे के यज अल्लाहू, बिन देखे नहीं, बिन देखे नहीं यहाँ लिखा हुआ वैसे नहीं है, लेकिन मैं यत्तकिल्लाह जो डरे अल्लाह से, यानी जिसको कॉन्शियसनेस हो कि अल्लाह देख रहा है, डरे अल्लाह से, यज अल्लाहू मखरजा, यानी अल्लाह ताला उसको निकाल लेता है एक रास्ता। मखरजा, मखरजन होता है निकल, मखरजन कैसे बना? बना मखरज जो एग्जिट, प्लेस ऑफ एग्जिट, ठीक है, मफअल के पैटर्न पे अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकाल लेता है। हाँ मतलब उसके लिए एक रास्ता, एक मुश्किल में जो अगर फंसता है, अगर अगर उसका अगर तकवे पे वो है, अल्लाह से खौफ करता है, गलत रास्ते पे नहीं जाता और मुश्किल को सह लेता है, तो मुश्किल में उसका रास्ता अल्लाह ताला निकाल देते हैं, बजाय इसके कि वो जाके रिश्वत दे या कोई गलत काम करे मुश्किल से निकलने के लिए। सिर्फ तकवा अगर उसका होगा, अल्लाह पे यकीन होगा कि और अल्लाह ताला से डरे कि मैं गलत काम ना करूं, तो अल्लाह उसके लिए एक रास्ता निकाल देंगे। ये हमने अपने जो है ना जहाँ कंपनी हम ऑपरेट करते हैं उस पर हमारा ये विजन है, लोगो है कि भाई जब तक अल्लाह यह जो मखरज अल्लाह जो उसमें से निकाल। और फिर आमतौर पर हम भी क्यों करते हैं कि रिस्क की तंगी की वजह से, अगर मैंने रिश्वत ना दी मेरा रिस्क बंद हो जाएगा, या मुझे फलां ऑर्डर नहीं मिलेगा, या फलां काम नहीं होगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा ना करो बल्कि तकवा अख्तियार करो, मैं तुम्हारी रास्ता निकाल दूंगा। जिसे जो जिससे तुम डर रहे हो वह यरज़ुक हो, और तुम्हें रिस्क वो देगा कहाँ से, जहां से तुम गुमान भी नहीं करते थे। अब ये यरज़ुक हो जो है सिस्टर, ये बताएं ये क्यों, इस पर भी जज़्म आ गया, वो क्यों आ गया? कौन कौन कर रहा था, ये कौन बताना चाहेगा? सिस्टर अनीस फातिमा ने हाथ खड़ा किया हुआ है। मैं बताऊं सर? आप बता दीजिए कौन से सिस्टर है। राहिला सर। सर ये जवाब शर्त है, उसकी वजह से फेल जो है मज़ूम हुआ। जवाब मुझे तो नजर कोई नहीं आ रहा जवाब शर्त, किसका जवाब शर्त है? सर ये जो मैयत तक के जो पहले शर्त आया है ना उसका जवाब शर्त थी मैंने ना। उसका जवाब शर्त तो पीछे गुजर चुका है, गौर से देखें, पढ़े जरा मैयत तक अल्लाह, पढ़े आगे या जल। अच्छा सर आता फौरा ना उसके ऊपर, आता फौरा, परफेक्ट परफेक्ट मैं आसंती। यह जल जो था ये जवाब शर्त आ चुका था यत तक का, और अब यरज़ुक जो है ये मातूफ़ुन है अला यजअल। जी सर, ठीक हो गया, परफेक्ट। नेक्स्ट किसकी बारी है? कर्नल यास आपका, ये आपकी, आप कर लें या मिसेज आपकी? जी सर। يتجه المسلمون في صلواتهم الى الكعبة المشرفة يتجه المسلمون في صلواتهم الى الكعبة المشرفة يتجه المسلمون डायरेक्ट उसकी तरफ जाना, यानी तो यत अल मुस्लिमूना फाइल होगा, यत तजीहुल मुस्लिमूना
मुसलमान जो है डायरेक्ट करते हैं यानी फेस करते हैं किसकी तरफ, फी सलावात अपनी नमाजों में किसकी तरफ, इलल काबतिल मुशर्रफा, जो मुअज्जज काबा है उसकी तरफ वो मुंह फेरते हैं। असल में है तो ये वजहा इसका रूट है ना, वजहा उसी से इज ये बना इत्तजहा, जिस तरह इत्तका बना, जिस तरह इत्तसला बना, राइट करो साहब। जी सर। तो यह तजर मुस्लिमों ने, मुसलमानों ने फेस किया, ये बेस्ट है, फेस करते हैं यानी रुख करते हैं अपनी नमाजों में अलकाबा अल मुशर्रफा की तरफ, काबा शरीफ की तरफ, काबा शरीफ की तरफ अपना रुख करते हैं। तो इसमें सर इसका और... माजी मुजारे एक दोबारा बता दीजिएगा। इत्तजाह यत्तजेहू इत्तिजाहुन, जैसे इत्तसला यत्तसलु इत्तिसा इत्तिसालु इत्तिकाउ इत्तिसालु, ठीक है, उसी तरह से इत्तजाह यत्तजेहू इत्तिजाहुन। जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट सर इसका अमर, इसका फिर अमर हो जाएगा, इत्तजे मुत्तजहुन मुत्तजाहुन मुत्तजाहुन जी। नेक्स्ट किसकी बारी है, नुसरत, सिस्टर नुसरत की। जी सर। क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन दअ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना व मन दअ, वह और मन जिसने दावा, मन चाहना, इद्दा होता है क्लेम करना यानी दावा करना कि ये मेरा है, यानी तू क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, क्लेम करना, क्लेम दावा करना जी, यानी किसी पे अपना हक हक जताना जताना जी। मन मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना, यानी वो चीज जो जो उसकी थी नहीं उसका क्लेम किया जिसने, फलैसा तो नहीं है वो, मिन्ना हम में से। कितने खूबसूरत लेसन है, मुझे बताएं किसी और क्लास की जरूरत है सिवाय कुरान की सारी और हदीस की। तो इसमें फिर क्या बताइए, क्या है इसके अंदर, इद्दा इद्दा चल दावा करना पे, राइट। तो ये फिर कौन सा फेल हुआ, इद्दा सर माजी हुआ ना, फेले माजी बाबे इफ्तेआल का, इफ्तेआल का, इफ्तेआल का, इफ्तेआल का जी। ता तो इसमें नजर नहीं आ रही जी, वो ता शिफ्ट हो गई जी, शिफ्ट हो गई दाल में, हाँ मर्ज हो गई जी, मर्ज हो गई बिकॉज ऑफ करीबुल मखरज, बिल्कुल सही है, इद्दा जी। तो इद्दा या यद्दईयु इद्दा इद्दा आखिर में आ जाएगी हमजा, वो हमजा जी, हमजा। नेक्स्ट सिस्टर नौरीन, इसका मतलब क्या होगा? सर सिस्टर नौरीन ने भी मैसेज किया था कि वो नहीं आज पार्टिसिपेट कर सकती, शी इज नॉट, वो हम में से नहीं। हाँ कल साहब कह रहे थे कि अगर जो दावा करता है उस चीज का जो उसकी नहीं है वो हम में से नहीं है। इसी तरह एक और भी हदीस है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, और जिसने धोखा दिया वो भी हम में से नहीं है, और जिसने किसी ऐसी चीज पे अपना दावा किया जो उसकी नहीं है तो वो भी हम में से नहीं है। तो आदि तो हमारी मेरा ख्याल है जो माशरे के प्रॉब्लम है इधर से खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट आ रही है बारी सिस्टर सारा। सर आधे यहाँ से खत्म हो जाएंगे और आधे यहाँ से खत्म हो जाएंगे कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा। बिल्कुल परफेक्ट, टोटली एग्री विद यू सिस्टर, टोटली। सर फरकानी वयाम यद्दुज़ालिमु अला यदैही
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم جزدن يعد الظالم काटेंगे यदुज़ालिमु अला यदैही अपने हाथों को यकूलू वो कहेंगे या लैतनी यानी हलाकत है या लैतनी तखस्तु मा रसूलु सबीला यानी कि या लैतनी अपने से कहेंगे या अपने से कहेंगे इत्तखस्तु बनाया हमने मा रसूली या लैतनी काश के अत्तखस्तु बनाते हम रसूल के साथ रास्ता देखिए वो या लैतनी हाय खराबी हमारी मेरी यानी या मुझ पर बर्बादी हो इस तरह से ना या लैतनी काश यानी ऐसा मैंने क्यों किया इत्तखस्तु मैंने क्यों बना लिया मा रसूल सबीला के रसूल के साथ कोई और सबील सबील से यहाँ क्या मुराद यानी सर कोई और रास्ता उन्होंने रसूल के सुन्नत के अलावा कोई और रास्ता जो इख्तियार किया उसके जी ऐसा मैंने क्यों किया जी जी सिस्टर अनीस सर इसका मतलब नहीं कि काश कि मैं पकड़ता नबी के साथ रास्ता रसूल के साथ सॉरी काश वो जो या वाइला था आगे आएगा या लैतनी काश मैं लम उधर आ रहा है यहाँ पे लम नहीं है यानी या, क्या काश ए काश मैं पकड़ता अल्लाह के रसूल के साथ रास्ता अल्लाह का मतलब रसूल का रास्ता या वही लता ये मतलब है इसका कि मुझ पर बर्बादी हो या वही लता लैतनी लैतनी मैं लेता लम अत्तखिस फुलानन खलीला यानी कि मैं उसको फलानन फला आदमी को खलील ना बनाता अपना मतलब बर्बादी है या लैतनी काश के मैं ना बनाता फला को अपना दोस्त और खलीलन कैसा दोस्त होता है गहरा दोस्त जिगरी दोस्त जिगरी जिसके साथ अपना आप शेयर कर सकते हैं सीक्रेट्स वो फास्ट फ्रेंड कहेंगे हमारे जो तो ये किसके बारे में बात हो रही है कौन है वो दोस्त जिसको बनाया तो जो भी रसूल से छोड़ के जिसका भी पैरवी की जाए जिसको हम कोई लीडर हो या कोई भी हो जिसको हम फॉलो करें उसके बारे में बात हो रही है यानी जो हमें भटका दे उसमें शैतान भी हो सकता है शैतान हमारा नफ्स भी हो सकता है नफ्स भी शैतान की यहाँ बात हो रही है और जो शैतान के दोस्त है वो भी शैतान के जुमरे में ही आते हैं करेक्ट अच्छा तो अब आ जाए नेक्स्ट इत्तखज़ा इफ्ताला मिन अखज़ा इत्तखज़ा जो है ये भी अखज़ा से बना असलहु इत्तखज़ा उद्गिमतिल हमज़तु फित्ता हमजा भी ता में मर्ज हो जाती है और वो डबल ता बन जाता है इत्तखज़ा ये किसी सिस्टर का क्वेश्चन भी था अभी तो ये भी क्लियर हो गया इत्तख जी सर ये मेरा था सीमा रिजवान तो सर फिर हम यहाँ पे जो हमने ये असूल लिखे थे तो हम यहाँ भी ये लिख लें कि अगर मादे का पहला लफ्ज़ वाव या हमजा हो तो फिर वो ता में बदल जाता है ता में बदल जाता है बिल्कुल सही है वाव या हमजा नेक्स्ट आते हैं हमजा प्लस इफ्ताला इफ्ताला यानी जिस तरह पिछले बाब में भी था इनफ़ियाल में भी ऐसा ही था कि अगर हमजा इस्तफ़हामिया आए तो उसका अपना हमजतुल वसल गिर जाता है इफ्ताला का माना होगा क्या उसने जो भी किया काला ताला अस्तफल बनाती अलल बनीन तो असल में क्या आ इस्तफाल बनाती अलल बनीन तो क्या उसने चुन लिया बेटियों को बेटों के मुकाबले में तो या इस्तफा या ये बताने के लिए इसका आज हमजा का है इस्तफाम का है नेक्स्ट आज है नंबर 11 फाइजा हुआ करीबन ये लेसन में हमारा आया था फाइजा हाजी ही इजा इजल फुजा
ये याद कर लें, इज़ा का नाम इज़ल फुजाइयतु व तुफीदु वकुअ अम्रिन गैर मुतवक्का तदखुलु अलल जुमलतिल इस्मिया व यजूज़ुल इब्तदाउ बिन नकिरति बादहा। अच्छा, इज़ा फुजाइया क्या है? व तुफीदु, और वो इंडिकेट करता है वकू, यानी वकू अमरिन, यानी किसी अमर का वकू होना, गैर मुतवक्के अनएक्सपेक्टेडली, यानी आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं और कुछ हो तो उसको कहेंगे इज़ा, इस्तेमाल इज़ा फुजाइयतुन। तदखुल, ये दाखिल होता है अलल जुमलतिल इस्मिया, यानी इसके बाद जो है जुमला इस्मिया होता है। देखिए, फ़ाइज़ा हुआ करीबन, व यजूस अल इब्तिदाउ बिन नकरा, और ये नकरा से भी शुरू हो सकता है जुमला जो बादहा, आमतौर पर तो मारफा से शुरू होता है जुमला इस्मिया, लेकिन यह नकरा से भी हो सकता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ला ताती, अच्छा ला ताती इज़ल फुजाइयतु फी अव्वल कलाम, शुरू में नहीं आएगा इज़ा, इज़ल फुजाइयतु दरमियान में ही आएगा, सेंटेंस के दरमियान में। हा हा आ, यानी लेकर आओ अमसिलतन ली इज़ल फुजाइया, इसके एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं हमने बुक में जहाँ पर देखे हैं, तो आपको होमवर्क है, आप ढूंढ लीजिएगा अगर कोई और भी है। एक तो ये तफाइज़ा हुआ करीब, नहीं बुक में तो सर नहीं था शायद। चले चले पिछले लेसन्स में से देख लीजिएगा। नेक्स्ट दी हुई है तो नीचे नीचे दी हुई है ना, दी हुई एक मिसाल है तो जी सर। अच्छा आ गई आप। दखलतुल फसला फ़ाइज़ा मुदीरुल जामियती जालिसुन, तो हाँ यह बात हो रही दखलतुल फसला, दखला इस्तेमाल हुआ है किसी ऐसी जगह में दाखिल होने के लिए जो कि जिसमें दाखिल हुआ जा सकता है फिजिकली, तो इसमें कोई बीच में फी नहीं आया। दखलतुल फसला डायरेक्ट मफूल भी ही आ गया दखलतु के बाद, और फिर फ़ाइज़ा मुदीरुल जामियती जालिसुन, यानी मैं दाखिल हूँ क्लास में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो वहां मैंने मुदीर उल जामियती जालिसन, जो जामिया का डायरेक्टर है बैठा हुआ, उसको बैठा हुआ पाया मैंने। और यहाँ पे देख ले मुदीर जो है, अच्छा ठीक है तो डेफिनेट है। दखल तुल गुरफत फ़ाइज़ा हय्यत अलस्सरीर, मैं दाखिल हुआ। काइंडली माइक बंद करके खांसें। चले मैं दाखिल हुआ कमरे में तो अचानक मैंने देखता हूं क्या एक सांप अलसरीर बिस्तर पर। डॉक्टर साहब को भी काफी शौक है हैया के एग्जांपल्स का। खरजतु मिनल बैती, मैं निकला घर से फ़ाइज़ा सदीकुन बिलबाब, तो अपने दरवाजे पे पाया एक दोस्त को। अच्छा यहाँ पे देखिए सदीकुन नकिरा आया है। ज़नंतुका मुदर्रिसन फ़ाइज़ा अंता तालिबुन, मैंने तो ख्याल किया था कि आप मुदर्रिस हैं यानी टीचर हैं, और मुझ पे ये आया हुआ सरप्राइजिंगली कि आप स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट फ़फित तंजीली फी किस्सत मूसा अलैहिस्सलाम फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिया सोबानुम मुबीनुन, तो फ़अल्क़ा असाहु, तो किसने मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़अल्क़ा डाला अपना असा ज़मीन पर, तो अचानक वो तब्दील हो गया सोबानुम मुबीनुन। सोबान भी एक सांप को कहते हैं, या असदा वाज़ह हकीकत में। وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اور نکالا اپنا ہاتھ فَإِذَا, تو اچانک اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہو گیا بیضا سفید ناظرین کے لیے, نظر آنے والوں نے اس کو دیکھا تو بالکل سفید نظر آئے۔ اچھا اب آتا ہے نیکسٹ۔ جی سسٹر انیس فاطمہ۔ السلام علیکم۔
सर इसमें ना इंग्लिश सेक्शन में बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से बताया हुआ है कि फाइजा का किस तरह से होता है कि समथिंग विच हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली ना, यानी आपके गुमान में नहीं तो सडनली कोई चीज हो जाती है। तो इसको उन्होंने बताया कि जब आप छड़ी फेंकते हैं डालते हैं तो वो जमीन पे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाती है, दैट इज द मोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट। बट उसका मतलब कि फाइजा का वर्ड यूज हुआ है कि समथिंग विच हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली विच वॉज वेरी स्ट्रेंज, ये चीज जाहिर करता फाइजा, ये भी जाहिर करता है कि ये भी चीज है। और ये पता चलता है कि जिंदगी में ऐसी चीजें आ सकती हैं कि आप एक्सपेक्ट ना करें और वो एग्जाम से हो जाए, तो ये भी एक फितरती अमल है एंड बड़ा खूबसूरत अमल है। ये इंसान को रखता है, उसके लिए जिंदगी इंटरेस्टिंग है जब ऐसी चीजें होती हैं, अदरवाइज बोरिंग हो जाए। जी सिस्टर डॉक्टर अक्षंदा। सर ये अगला जो ये जुमला था ना वनजा यदाहू में, तो यहाँ पर बेदाऊ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वाइट कलर के लिए मुन्नस का। जी जी देखिए कि जितने भी ऐसे आते हैं ना जिसके अंदर ये आपको नजर आए यद अलिफ और उसके बाद हमजा जो है और ये सारे मुन्नस ही होते हैं इस पैटर्न पे। पालाऊ का वजन सर ये यद के लिए आया ना, जोड़ी है यद के लिए आया। ठीक है यद के लिए आया खबर। अच्छा जो जन्ना है उसका इस्तेमाल के उसके बाद दो मफूल आते हैं और जारी बात है दोनों को वो नसब करेगा और असल में वो जुमला इस्मिया होते हैं मुब्तदा और खबर। मसलन जन्ना के बगैर अल इम्तिहानु करीबुन, अल इम्तिहानु करीबुन जुमला इस्मिया, अल इम्तिहानु मुब्तदा करीबुन खबर। अज़ुन्नु जब आएगा तो अब ये दोनों मफूल बन जाएंगे, अज़ुन्नुल इम्तिहान करीबन, मैंने गुमान किया, मैं गुमान करता हूं कि इम्तिहान करीब है। तो देखें मुब्तदा और खबर दोनों बन गए मफूल वन मफूल टू। अल मुदीरु याती गदन, अगर इसमें पहले लगाएं जन्ना या अजुन्नु, अजुन्नुल मुदीरा याती गदन। अच्छा इसका सिर्फ इसका मतलब है सिर्फ जुमला इस्मिया पर ही नहीं आता, पहला हिस्सा जो है वो तो आपका मुब्तदा है, खबर उसकी जुमला फेलिया भी हो सकती है। तो अलमुदीरु याती गदन में अलमुदीरु मुब्तदा है और खबर उसकी जुमला फेलिया है, तो अज़ुन्नुल मुदीरा याती गदन, तो हम कह सकते हैं अलमुदीरा मफूल है, मफूल भी वन, और याती जो है असल में तो है तो ये जुमला जुमला फेलिया फेल मुजारे है, लेकिन एज अ जुमला पूरा आप कह सकते हैं इट इज बीइंग यूज्ड एज फी महले नस्ब, मफूल भी नंबर टू फॉर अज़ुन्नु। तो वफित तंजील वमा अज़ुन्नु सात काइमा, और नहीं मैं ख्याल करता कि क्यामत जो है वो कायम होगी। असाता मफूल भी नंबर वन, कायमाता मफूल भी नंबर टू, और अगर ये ना होता जन्ना तो असातु कायमतुन जुमला इस्मिया होता। तो आइए अब आपने यहाँ पर करना है अदखिल जन्ना अलल जुमलिल आतिया, तो दो दो तीन तीन करते जाएं, कौन करना चाहेगा नेक्स्ट, किसकी बारी थी? अस्मा खालिद हो गई, फिर से स्टार्ट करते हैं शुरू से, सबकी बारी हो गई है। तो सबसे पहले सिस्टर अनीस फातिमा जी करें, पहले दो आप कीजिए। जी सर। हामिदुन मरीजुन जनंतु के साथ करना, सॉरी आगे लिखो जनंतु फिर क्या हामिदुन मरीदन, इसमें जनंतु हामिदन मरीदन। मैं ख्याल करती हूँ कि हामिद जो है वो हामिद बीमार है। परफेक्ट, नेक्स्ट भी कर दें। हामिदन मफूल नंबर एक है और मरीदन जो है वो मफूल नंबर दो है।
अच्छा अल इख्तिबारु सहलन अतज़ुन्नु अल इख्तिबारा सहलन, क्या तुम करते हो अल इख्तिबार सर अल इख्तिबारा अतज़ुन्नु मैंने सिर्फ कहा ला आखिर में जब कह चुके नहीं सही अच्छा क्या क्या आप गुमान करते हो कि इम्तिहान आसान है या होगा अतायरातु मुताअखिरतुन अज़ुन्नु तायरता मुताअखिरतन मैं मेरे ख्याल में फ्लाइट जो है वो लेट हो जाएगी ठीक हो गया नेक्स्ट सिस्टर ताजुन्निसा अगले तीन आप कर दीजिए अंता मरीजुन मैं मरीज हूँ अज़ुन्नु अंता मरीजन अब सोचे अंता के साथ क्या होगा जब ये अलग से तो अंता आ सकता है लेकिन इससे पहले अगर इन्ना आए तो आप क्या करते हैं अंता से पहले इन्ना आए तो इन्ना का कर देते हैं तो अज़ुन्नु का हो जाएगा अज़ुन्नु अगर इससे पहले लगाएंगे ना अज़ुन्नु का सर तो क्या ये इन्ना की तरह बिहेव करता है इन्ना की तरह बिहेव करता है किसी हद तक लेकिन नॉट रियली नो सर आई थिंक इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि मफूल बनाना है तो मफूल की जमीर जो होती है ये अंता तो मरफू जमीर है फिर नका जो है वो मंसूब जमीर होगी मफूली जमीर आएगी ना तो वो मंसूब ही आएगी ठीक है सही किसकी बारी थी अज़ुन्नु का मरीजन मरीजन परफेक्ट नेक्स्ट क्या होगा अल मुदस मुदर्रिसु यताअखरुल यौमा इसमें आएगा ज़नन्तु अल मुदर्रिसा यताअखरुल यौमा यताअखरुल क्यों कर दिया आपने वो तो ये तो फेल तो चेंज नहीं होगा ना उसके ये अलग से पूरा सिंगल है हाँ ऐसे ही रहेगा करेक्ट यताअखरुल यौमा ऐसे ही रहेगा एज अ जुमला और नेक्स्ट कर दें हुआ मुस्लिमुन अतज़ुन्नीना और आगे हुआ मुस्लिम है हुआ कैसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ अतज़ुन्नीना हू मुस्लिमन जिस तरह हमने अंतक की जगह कर दिया तक्का तो इसको भी इसके साथ यहां पे हू आ जाएगा ना अतज़ुन्नीना हू मुस्लिमन मुस्लिमन परफेक्ट नेक्स्ट हुआ नेक्स्ट बारी है सिस्टर ताजुन निसा की हो गई सिस्टर सारा हुम रासिबून जी हुम रासिबून नज़ुन्नु हुम रासिबून अच्छा आप हाँ। सोच रहे हैं कि हमने जो ज़ुन्ना के जो हमने बनाने हैं मफ़ूल भी वो दोनों मंसूब होते हैं राइट ठीक है सर हुम तो हो गया रासिबून मंसूब तो नहीं है ना जी इसको कैसे बनाएंगे मंसूब मुस्लिमून से मुस्लिमीन तो रासिबून से रासिबीना तो अब बने क्या बनेगा नज़ुन्नु हुम नज़ुन्नु हुम रासिबीना परफेक्ट नेक्स्ट भी कर लें जमीन दो की बात हो रही है जमीला का नाजिहानी तर्जुमा कर ले क्या इसका तर्जुमा जमीला का नाजिहान आपके दोस्त जमील यानी आपके साथी नाजिहानी यानी के जमीला है आपके दो साथी जी जमीला का आपके दो साथी नाजिहानी यानी के दोनों पास हैं कामयाब हुए पास हुए जी सर अज़ुन ला जो था अलिफ होता है उसके लिए मरफू के लिए
तो मंसूब के लिए क्या कैसे लिखते हैं, जैसे तालिबानी तालिबैनी किताबानी किताबैनी, तो यहाँ क्या बनेगा जमीला जमीलैनी जमीलई का, यहाँ पे का है ठीक है ठीक है, जमील जमील का नाजी हानी ये यही रहेगा सर। नहीं ये क्या क्यों रहेगा, हमने कहा जुम्मे के बाद दोनों नाजी है मंसूब होंगे ना। अच्छा दोनों कोई चेंज, दोनों जिस तरह ऊपर ऊपर नहीं कर रहे हामिदन मरीदन इसके बाद सहलन, तो दोनों को करना है मंसूब ठीक है। जमीलैनी नाजी अजुन्नु जमीलैनी नाजीहैनी, नहीं आप दोबारा देखें जमी लाइनी तो नहीं है ना, यहाँ पे जमीला का था जमीला का नाजहानी, तो का तो अपनी जगह पर रहेगा ना, असल में जमी लाइनी के बाद का आ गया ना तो वो मुजाफ मुजाफ लाई बन के नून गिर गया तो जमीला का हो गया। अब जब इसको हम बनाएंगे मंसूब तो जमी लई का जमी लई का तो कैसे पढ़ेंगे अजुन्नु, कैसे पढ़ेंगे अजुन्नु अजुन्नु जमी लई का नाजी हाइनी नाजी हाइनी, परफेक्ट एक दफा फिर कह दें अजुन्नु जमी लैका नाजी हानी नाजी हानी, अभी इसको नाजी हाइनी नाजी हाइनी सर, हाँ जी नाजी हाइनी, फिर से पढ़ दें एक दफा अजुन्नु जमी लैका नाजी हाइनी, फिर से जमी लैका जमी जिस तरह ना किताबैनी मुस्लिमैनी जमीलैका नाजी हैनी, अब पढ़ ले दोबारा से अजुन्नु अजुन्नु जमीलैका नाजी हैनी आसंती, अगला भी कर दे अत्तालिबातु मुज्तहिदातुन अत्तालिबातु मुज्तहिदातुन, तर्जमा अत्तालिबातु यानी के तालिबात मुज्तहिदातुन यानी के वो मेहनती है बहुत जी सर। अजुन्नु अत्तालिबाता मुज्तहिदातुन, सोच लें जब करते हैं ना हम जमा करते हैं इसमें वो तन तो आता ही नहीं है, इसमें देखिये ना हम ऊपर ही बात कर रहे हैं, अजुन्नु के बाद जो है ना दो मफूल भी होते हैं तो आमतौर पे जुमला इसमें हमें दोनों मरफू होते हैं ठीक है, तालिबात मुज्तहिदात, अब इन दोनों को मंसूब करना है, शुरू से एक्सरसाइज हमारी ये अजुन्नु के बाद अगर डायरेक्ट हो याद रखें, अजुन्नु के बाद अन्ना ना आता हो याद रखना, ये अजुन्नु के बाद ये जन्ना के बाद डायरेक्ट जब ऐड होगा जुमला इस्मिया तो दोनों मंसूब होंगे, तो अब जरा पढ़ दीजिए अजुन्नु कैसे पढ़ेंगी अजुन्नु अत्तालिबाती मुज्तहिदाती मुज्तहिदातिन, क्यों नहीं पढ़ रही आप, अलिफ लाम तो नहीं लगा हुआ ना उसपे ठीक है हम या में कन्वर्ट करेंगे, अब या को करेक्ट करेंगे इसके साथ आपस में क्रेड करेंगे तो बीच में नून लगाना पड़ेगा तो कैसे बनेगा अतज़ुन्नु अन्ननी ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ अन्ना तो है नहीं यहाँ पर, एक सेकंड अतज़ुन्नु नी, अच्छा सर इसी के साथ ऐड कर देंगे इसी के साथ ठीक है, अतज़ुन्नु नी ज़ईफ़ुन इसको भी फिर चेंज करेंगे या नहीं आप बताएं चेंज तो करें किस में चेंज करेंगे, हमने मंसूब करना है ना, हमारा क्या हमारा जो टारगेट है कि दईफन राइट, तो अतज़ुन्नु दईफन अतज़ुन्नुनी दईफन या दईफन करेक्ट, नेक्स्ट
يجوز ان تدخل ظن على ان وان المصدر مصدريتين فينصب المصدر المعول على المفعوليه ويسد مسد المفعولين. اچھا یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یجوز یہ بھی جائز ہے کہ ظنہ جب داخل ہو انا پر یا ان پر, یعنی اس کے بعد انا یا ان اگر آئے ان تو یہ کیا کرتے ہیں فینصب, تو مصدر المعول کو منصوب کیا جائے گا علی المفعولیتی بیکوز جو مفعول ہونے کے ناطے, یعنی وہ مفعول اس کا ہوگا, اور وَيَسُدُّ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ اور وہ روک دے گا, سدہ یا سدو روکنا ہوتا ہے بلاک کر دینا, مسد المفعولین کے جو مکان, مسدہ اسم یہ مفعل کے پیٹرن پہ اسم مکان ہے, تو جو مفعولین کی جگہ ہے نا دو کی, وہ دو کی جگہ ایک مصدر معول لے لے گا. ابھی ہم نے کہا تھا کہ ظنہ کے بعد دو مفعول بھی آئیں گے اور ابھی ہم دو دو دیکھتے آئے ہیں, لیکن ایکسیپشن آ گیا یہاں پہ کہ ظنہ کے بعد اگر انا یا ان آ جائے گا تو پھر صرف ایک ہی مفعول, یعنی جو مصدر معول ہے وہی ایک اس کا جو ہے مفعول بھی ہوگا. مثلا الامتحان سہل, اگر اس پہ ہم لگاتے ہیں صرف اظنو تو اظنو الامتحان سہل دونوں بنتے ہیں مفعول بھی ون اینڈ ٹو. اگر اظنو کے بعد انا لگا دیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انا لگا لیں گے تو پہلا والا جو ہے اس کا جو انا کے بعد انا الامتحانہ, انا الامتحانہ مصدر معول ہوا نا, تو مصدر معول ہونے کے ناطے یہ اس کا مفعول بھی ہوگا ایک, یہ دونوں کی جگہ لے لے گا جو پہلے دو تھے. رائٹ, تو جی سر, سیما کا کوسچن. جی سر, میں بس یہ اسی کو کہنا چاہ رہی تھی, کیونکہ مصدر میں معول جو ہوتا ہے یہ دو مفعولوں کے برابر ہوتے ہیں, دو مفعولوں کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا, اور سہلن پھر کیا رہے گا, اس کی انا کی خبر آ جائے گی. تو آئیے اس کو کرتے ہیں فف تنزیل. ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ جو ہے نہیں جانتا کثیرا مما تعملون, اکثر ان میں سے جو تم کرتے ہو اللہ اس کو نہیں جانتا. تو یہاں پر بھی انا کے بعد اللہ ایک اس کا جو ہے آ گیا آپ کا مفعول بھی, اور یہاں پر تو ایکچولی خبر اس کی پوری خبر ہو گئی ہے, لا یعلم کثیرا مما تعملون انا کی خبر آ گئی. تو اب کرتے ہیں, اچھا اس کی ایکسرسائزز تو ہے ہی نہیں. ما ظننت ان يرسب, ایکسرسائز یہی پچھلی والی ہے, ظننا والی, ابھی میرا خیال آ گئی, کہاں پر ابھی آئی ہے سر؟ یہ جو ہم نے پہلے کیا نا ظننت والا, ظننا والی, ابھی آنے والی ہے. اس کے بعد سر ذرا اس کو بھی ایک دفعہ اور کر دیجیے گا پلیز سر, وہ فی تنزیل والا جو ہے, ولکن ظننت, ولکن ظننتم, لیکن تم نے گمان کیا ان اللہ, اب یہ انا آ گیا نا, تو انا کے بعد ایک ہی آئے گا مفعول بھی, وہ کیا ہے, یہ انا کے ساتھ, یعنی بلکہ ان اللہ, انا کا جو آئے گا ایک اس کی اسم انا اور یہ خبر انا, یہ پورا ملا کر, یعنی ٹوٹل اس کا جو ہے اٹ ول ناٹ ہیو ٹو مفعول بھی کیونکہ انا آ گیا. ما ظننت ان یرسب احمد, نہیں میں نے گمان کیا تھا کہ احمد جو ہے وہ فیل ہوگا, ای ما ظننت احمد یرسب, ٹھیک ہے, ما ظننت یعنی یہاں پر میں نے گمان کیا تھا احمد جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا. ومنہ قوله تعالی تظن ان یفعل بها فاقرہ, سورہ القیامہ کی آیت ہے کہ تظن ان یفعل, تظن جو ہے نا یہ جا رہا ہے پیچھے, آئی تھنک وجوہ یوم اذن باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ, کہ جو ان کے جو چہرے ہیں وہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسے لگیں گے جیسے کہ ان کے ساتھ بها فاقرہ ہوتا ہے, ان کو میں خیال بگاڑ دینا, ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے,
आई एम नॉट श्योर ऑफ द इस वर्ड, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है फाकिरा का, मेरा ख्याल है चेहरों की बात हो रही है तो बिगड़े हुए चेहरे होंगे, फुलू बिया फाकिरा, या कमर तोड़ उनके साथ मामला किया जाएगा, कमर तोड़ वाला मामला बिहा फाकिरा, इसको रिकन्फर्म भी कर लेंगे सर। ये इसको भी कर दीजिए, मा जनन तो आई यर सुबह अहमदु हुई, जी जी, यानी इसका मतलब क्या, मा जनन तो आई यर यर सुबह अहमदु का मतलब ये है कि देखिए अन जो है ये इसके साथ जनन का आमदा पहले आ गया, इस मफूल बिही टू मा जनंतु, यानी ये विदाउट अन आया ना, विदाउट अन हमारे पास दो मफूल भी ही होंगे, मा जनंतु के बाद अगर अन नहीं लगाते तो वी हैव अहमदा यरसुबु, अहमदा मफूल भी ही नंबर वन, यरसुबु इसका जुमला इस फेलिया एज मफूल भी नंबर टू, लेकिन अगर अन लगा देंगे तो फिर हम कहेंगे कि अब इसका जो है दिस इज मस्तर मुअव्विल, मस्तर मुअव्विल जो है ये इसका मफूल भी ही, जनंतु के साथ अन्ना लगाएंगे तो नेक्स्ट किसकी बारी थी, हमने कहा फिनिश किया था सिस्टर सारा के साथ, तो अभी किसकी बारी है, आई फॉरगेट, कर ले सर एक क्वेश्चन बताइए सर, ये सर जब हमने अय्यर सुबह को मफूलन बिही कर दिया तो फिर अहमदु क्या है, क्योंकि जनंतु में फेल फाइल तो आ गया जी जी, अच्छा तो नेक्स्ट किसकी बारी थी मुझे यहाँ पर फॉरगेट, कर्नल साहब आपकी बारी है मेरा ख्याल है, आपने बताया सर मुझे जी जी, तो अब आप करेंगे जनंतु अन्ना और फिर आगे क्या आएगा, ये सर हामिदुन मरीदुन, अब जनंतु ले आए पहले इससे जनंतु अन्ना, जनंतु अन्ना हामिदन मरीदन मरीजुन, हाँ अब मरीजुन क्यों आएगा, क्योंकि हमने कहा है कि एक पहला मफूल भी के लाएगा सिर्फ अन्ना, अब अन्ना जो है ना, अन्ना हामिदन जो है वो एज वन मफूल भी होगा और मरीदुल रहेगा एज खबर अल्लाह, नेक्स्ट कर दें, अतजुन्नु अतजुन्नुल अतजुन्नु अन्नल इख्तिबारा सहलुन, करेक्ट सही हो गया, नेक्स्ट भी कर दें सर, मैं कर देती हूँ, आप कर दीजिए, अत्तायरातु मुताखरातुन अजुन्नु अन्ना तायरता मुताखरतुन, करेक्ट, अगला भी कर दीजिए, अंता मरीजुन अजुन्नु अन्ना का मरीजुन, ठीक है, और नेक्स्ट अल मुदर्रिसु यताखरुल यौमा जनंतु अन्नल मुदर्रिसा यताखरुल यौमा, करेक्ट, अब आ जाए नेक्स्ट बारी है सिस्टर सीमा रिजवान, ये सर ये है अतुजनीना, तो ये होगा अतुजनीना हु अतुजनीना की अतुजनीना की अन्ना हु मुस्लिमुन, नहीं अतुजनीना हु कर देना, हु की हु को आप हु को आपने सिर्फ ऐड करना है इसके साथ ना, काफ को नहीं करना ना, अतुजनीनहु मुस्लिमुन, सॉरी आपने अन्ना भी ऐड करना था, मैं भूल ही गया, अतुजनीना अन्नहु मुस्लिमन,
मुस्लिमुन होगा करेक्ट मुस्लिमुन नेक्स्ट भी कर दें हुम रासिबुन नज़न्नु अन्नहुम रासिबुना ठीक है रासिबुन करेक्ट सही है नेक्स्ट ये भी कर अगला वाले भी कर दीजिए अज़न्नु अज़न्नु ज़मील अन्ना ज़मीला अका नाजी हानी अन्ना के साथ क्या किया था दोबारा अन्ना के बाद जो है क्या आता है अन्ना के बाद मरफू आता है या इस्म ज़मीलैनी का लैनी नहीं अज़न्नु अन्ना जमी लई का नाजी हानी करेक्ट आसंति नेक्स्ट सिस्टर नौरीन सिस्टर नौरीन नहीं पार्टिसिपेट करेंगी आज सॉरी नेक्स्ट सिस्टर फरिया अगर बोल बात जी समय करती अज़न्नु अन्न तौलिबाती मुज्तहिदातुन परफेक्ट उसके बाद अतज़न्नु अन्ननी दुईफुन आसंति ये भी हो गया नेक्स्ट भी का बता दें सिस्टर फरिया हाती जमा अस्माइल आतिया खलीलुन की जमा जी खलीलुन की जमा अखिल्लाउ और सबीलुन की जमा सुबुलुन और सुबानुन की जमा सुआबीनु मफाइल के वजन पे करें मफाइल सुआबीनु आबीना और खलीलुन सर अगर ये हमें लिख देते तो इट विल बी इजी फॉर अस तो खलील की मैंने बोली थी अखिल्लाउ हाँ अफ बिल्कुल सही अखिल्लाउ खलीलून भी वैसे हो सकती है जी अच्छा, एक मिनट खलील की जमा से ग्रुप में लिख देते हैं ग्रुप में लिख आसान है ग्रुप में लिखते हैं इट विल बी ये सही ठीक है चलो ग्रुप में लिखना अच्छा एक रह गया आठ बज गए ये कर लेते हैं हाथी मुजारे रफाल आतिया अद्दा इसका बता दें आप कर दीजिए चलें अद्दा का हो जाएगा यकतु अद्दा यकतु ठीक है क्या माना है इसका अद्दा यकतु इसका मतलब होता है हसरत से जो करना होता है ना हाथ काटना नहीं इसका मतलब बाइट करना मेरा ख्याल है अद उसके दरमियान अपने दांतों के दरमियान चबाना नहीं मतलब जैसे नदामत होती है तो बंदा हाथ काटता है मैंने एक जगह पढ़ा था इसके बारे में तो हो सकता है मतलब एक मतलब तो अपने अद्दू है काटना ही है कोई मतलब हाथ काटना दांतों से काटना दांतों के दरमियान ऐसे कुछ किसी चीज को ऐसे जैसे उंगली काट लेते हैं ना जैसे हैरत में होते हैं उंगली चबाना जैसे होते हैं नाखून चबाना सर अद्दुल अनामिला आया है अद्दुल अनामिला उंगलियां चबाना उंगलियां चबाना भी आया है लेकिन किसी चीज को चबाना काटना या बड़ी सख्ती से पकड़ लेना अच्छा नेक्स्ट इज्तनबा इज्तनबा यज्तनिबु और इख्ताबा यख्ताबु ठीक है सर ये अद्दा यादु समिया से है समिया से इख्ताबा का क्या मतलब है किसका इख्ताबा इज्तनाब करना दूर होना बचना दूर होना अजनबी हो जाना हाँ जी ऐसे ही तो ऐसे करते हैं इसके साथ ही हम आज का लेसन कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा रह गया इसको कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट लेसन सुभान कलो अबे कोई क्वेश्चन या कमेंट तो नहीं है सलमान भाई हम सही टाइम पे खत्म कर रहे हैं ना आज क्लास
सर वो उन्होंने मैसेज किया था, वो आज अर्ली लीव करनी है सलमान जी। ओके ओके देन हम सबके लिए दुआ करते हैं, गो हैं जो जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको शफा दे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। सुभानक अल्लाहुम व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।